जब पहली बार छपी हुई किताब इंसान के हाथ में आई होगी तो उसे अचरज तो अवश्य हुआ होगा, पर तब से आज तक यानी टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में भी किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। किताब पढ़ने में मतलब हम अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम अकेले बैठ के कहीं भी बैठ के अपना पढ़ सकते हैं और अपना पूरा ध्यान, अपनी फीलिंग सारी उस किताब के साथ शेयर कर सकते हैं। और इतना तो नहीं हुआ जितना वेस्ट में हो गया है, लेकिन इंडिया में भी ये गेजुअली आ रहा है और किताबों का वो शौक नहीं रहा जितना पहले था। किताबों की भी एक अनोखी दुनिया होती है। कई बार भागदौड़ की इस जिंदगी में हम इनसे दूर हो जाते हैं। शायद हमें जो चाहिए वो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता। पढ़ने वालों की ऐसी ही तलाश का केंद्र है बुकमार्क। दिल्ली में स्थित बुकमार्क विश्व के कोने कोने से ताज़ा तरीन किताबें पढ़ने वालों को उपलब्ध कराता है। लोग चाहते हैं किताबें, लोगों को मिलता नहीं है जो उन्हें स्टफ चाहिए, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर। और आज तो बहुत ज़्यादा उत्साह मुझ में है कि मैं चाहूँगा कि जगह जगह पर इसकी ये बुकशॉप्स ऐसी होनी चाहिए। बुकमार्क के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पुस्तक प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने कुछ चुनिंदा नज़्मे और शेर पढ़े, भारत माता, जिसमें कारगिल प्रसंग पर उनकी ताज़ा रचना भी शामिल थी, और साथ ही उन्होंने किताबों के महत्व पर भी बात की। तलवारें हम बनेंगे माँ, छू ले तुझको किसमें है तम, भारत माता तेरी कसम, तेरी रक्षा करेंगे हम, वंदे मातरम वंदे मातरम। ऐसा तो वक्त आ ही नहीं सकता कि इंसान को इन्फॉर्मेशन से या नॉलेज से या एस्थेटिक से बैर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक ये है तब तक किताबें। इसमें कोई शक नहीं, मनोरंजन के कितने ही आधुनिक साधन और क्यों ना आ जाएं, किताबों की अहमियत अपनी जगह है। वे जानकारी का एक ऐसा दस्तावेज है जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा जा सकता है।